to furnish the detail of outstation code in the telephone bill. तो देखो अब तो इसका कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि अब आप लोकल मतलब कि आपके स्टेट में कॉल करते हैं या आउट ऑफ स्टेट कॉल करते हैं, दोनों के चार्ज सिमिलर ही, पर बहुत बैड मतलब आज से 20 साल पहले एसटीबी और लोकल ये दोनों के चार्ज अलग अलग। अगर आप लोकल कॉल करते थे तो उसका रेट कम था, आउट ऑफ स्टेट मतलब कि हम गुजरात में है तो गुजरात के बाहर कॉल करे थे तो वो एसटीबी लेना जाता था और उसके चार्जेस दिया था। तो ये जो प्रॉब्लम है वो टेलीफोन डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें आउट स्टेशन कॉल की सेपरेट डिटेल दें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक एड्रेस सब्जेक्ट में है से रिगार्डिंग दी डिटेल ऑफ आउट स्टेशन कॉल मतलब कि एसटीबी कॉल इन टेलीफोन बिल। तो टेलीफोन बिल में एसटीबी कॉल की डिटेल सेपरेट देने के लिए रिक्वेस्ट की गई है। तो सर एज अ कस्टमर वी हैव बीन बेनिफिटेड विद द वेरियस सर्विसेज रेंडर्ड बाय बीएसएनएल मोड़ा सातू अस। तो एज अ कस्टमर आपने हमें जो कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की उससे आज तक हमें काफी सारे बेनिफिट मिले हैं। एट प्रेजेंट वी हैव टू टेलीफोन कनेक्शंस इन अ कॉम्प्लेक्स। तो राइट नाउ हमारे कॉम्प्लेक्स में दो कनेक्शन है, हैविंग टेलीफोन नंबर 28100100। वी हैव गॉट अ फैसिलिटी ऑफ मेकिंग आउट स्टेशन कॉल मतलब एसटीबी कॉल की फैसिलिटी हमने ली है और बोथ ऑफ दीज लाइन दोनों लाइन के ऊपर। वी रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड अस मंथली टेलीफोन बिल हैविंग डिटेल ऑफ आउट स्टेशन कॉल फ्रॉम द टेलीफोन नंबर 100100 सो दैट वी हैव अ रिकॉर्ड विद अस, ताकि हमारे पास में रिकॉर्ड रहे तो हमें सारी डिटेल जो है आप प्रोवाइड करो, ऐसी रिक्वेस्ट जो है वो ऑनर कर रहा है। दिस इज अ रूटीन रिक्वायरमेंट फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ जागृति शिक्षा संकुल। वी होप you will take quick action on this request and thanks Motibhai Chaudhary this जो भी administrative manager है he has signed the letter on behalf of the institution। चलो now turn over the page, look at next letter। तो draft a request letter to the telephone company टू ऑब्टेन अ पैरेलल कनेक्शन ऑन द सेम टेलीफोन नंबर। तो एक ही टेलीफोन नंबर पे अगर पैरेलल कनेक्शन लेना है मतलब कि दूसरा कनेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटी ऑप्शन भरनी होती है, उसकी भी एक शॉर्ट प्रोसीजर है। गेट अ पैरेलल कनेक्शन ऑफ द सिमिलर नंबर टू एट एनी अदर प्लेस। तो सबसे पहले एड्रेस दिया गया है सब्जेक्ट को ऑप्टेन अ पैरेलल कनेक्शन ऑन द सेम टेलीफोन। तो एक ही टेलीफोन नंबर में पैरेलल कनेक्शन चाहिए सर। साथी बिजनेस हाउस इज अ रेप्यूटेड बिजनेस यूनिट ऑफ वापी। तो साथी बिजनेस हाउस है वो वापी का एक रेप्यूटेड बिजनेस यूनिट और यूनिट सिचुएटेड ऑन डीआईडीसी रोड इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन। तो हमारा यूनिट दो डिवीजन में डिवाइड होता है, वन इज एडमिन डिपार्टमेंट अदर इज प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। द एम्प्लॉइज ऑफ बोथ द डिपार्टमेंट हैव टू कम्युनिकेट विद वन अनदर रेगुलरली ऑन फोन। तो दोनों डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को एक दूसरे के साथ कॉन्स्टेंटली फोन पर बात करनी होती है कुछ भी इंटरनल प्रोसीडिंग्स के लिए। एट प्रेजेंट वी हैव टेलीफोन कनेक्शन एट साथी बिजनेस हाउस बियरिंग द नंबर 26551। वी डिजायर टू गारंटी फैसिलिटी ऑफ मोर देन वन पैरेलल कनेक्शन ऑन दिस नंबर।
तो हमें इसी नंबर पर एक से ज्यादा पैरेलल कनेक्शन चाहिए। दिस वुड मेक अ डिस्कस लिविंग थ्रू टेलीपोर्ट फास्टर एंड इजी। तो इससे जो है हमारी बिजनेस डीलिंग फास्ट और इजी हो जाएगी। वी रिक्वेस्ट यू टू इन्फॉर्म अस द प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग द अबव मेंशन्ड फैसिलिटी। तो ये फैसिलिटी पाने के लिए हमें क्या प्रोसीजर करनी है वो आप हमें बताइए। प्लीज लेट अस नो इफ वी हैव टू पे एनी एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर दिस एडिशनल फैसिलिटी। अगर ये फैसिलिटी पाने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने हैं तो वो भी आप हमें बताइए। थैंक्स योर फेथफुली डियर डिपेंडेंट मैनेजर। चलो देन नेक्स्ट लेटर टर्न ओवर द पेज। चलो रिक्वेस्ट लेटर टू कैंसल डिमांड नोटिस एज इनकम इज नॉट टैक्सेबल। सी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या होता है सबसे पहले लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। तो हम हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, देन ITO मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर उसे एसेस करता है, मतलब हमारी इनकम हमारा टैक्स वहां पर कैलकुलेट होता है। वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ आवर कैलकुलेशन एज पर आवर कैलकुलेशन। नाउ सपोज आवर कैलकुलेशन माइट गो रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल इफ टैक्स पेएबल बाय अस इज मोर देन वी हैव पेड एक्चुअली एंड द रिवर्स केस इज ऑल्सो पॉसिबल that tax payable by us is less than the tax paid by us। तो अगर हमें ज्यादा tax pay करना है तो demand notice आएगा, अगर हमें कम tax pay करना है तो income tax का refund आएगा। ठीक है, तो दोनों केस में जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें इन्फॉर्म करेगी। तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें नोटिस भेजी है डिमांड, मतलब कि वी हैव टू पे सम टैक्स मोर बट एक्चुअली इनकम इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल, वी डोंट हैव टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्स एज पर आवर कैलकुलेशन। सो हियर वी हैव टू इन्फॉर्म अबाउट दिस टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये बात हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। तो उसे सबसे पहले एड्रेस दिया है, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर कैंसलेशन ऑफ डिमांड नोटिस सर। फॉर द लास्ट 10 इयर्स वी हैव बीन इन बिजनेस इन गांधीनगर अंडर द नेम ऑफ डंकन बुक स्टोर। एज पर द इनकम टैक्स रूल एवरी ईयर वी फाइल इनकम टैक्स रिटर्न एंड आवर पैन नंबर दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर इज AEHPN 0570D। तो ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर ऑलवेज अल्फा न्यूमेरिक होता है। वी हैव बीन सर्व्ड विद द डिमांड नोटिस ऑन 2nd July रिगार्डिंग एन अमाउंट ऑफ 7600 इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2016। इट सीम्स that the notice has been issued to us by mistake। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये नोटिस हमें मिस्टेक से सेंड कर दी गई और इनकम इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन दैट इन द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर से हमारी इनकम कम है। सो इट इज क्वाइट नेचुरल दैट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल फॉर दैट पीरियड इज लेस। तो ऑब्वियसली हमारी इनकम कम है तो हम टैक्स भी कम ही पे करेंगे। कीपिंग इन माइंड द इनकम ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर वी डोंट हैव टू पे एनी एडिशनल इनकम टैक्स। तो अगर आप हमारे लास्ट फाइनेंशियल ईयर की इनकम देखें तो हमें कोई भी एडिशनल टैक्स पे नहीं करना है। आई अटैच अ कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड बाय मी विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर योर रेफरेंस। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैंने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है उसकी कॉपी मैं आपके साथ अटैच कर रहा हूं। वी रिक्वेस्ट यू टू चेक द इनकम टैक्स रिटर्न एंड डिटेल्स फाइल बाय अस। तो हो सकती है कभी कभी गलती हो जाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
उसने अपना इनकम टैक्स नहीं किया, उसकी कॉपी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रीसेंड की ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी इनकम उसका टैक्स फिर से कैलकुलेट कर सके। एंड इफ देयर इज एनी मिस्टेक, अगर उसमें कोई भी मिस्टेक है तो ये गलती वो सुधार सके। तो इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फिर से सेंड किया, वी रिक्वेस्ट यू टू चेक द इनकम टैक्स रिटर्न एंड डिटेल फाइल बाय अस एंड कैंसल द नोटिस फ्रॉम। तो ये रिटर्न भैया आप चेक कर लो और आपने जो नोटिस हमें दी है उसको प्रॉम्प्टली कैंसल कर दो। नीचे देखो इनक्लोजर दिया है, जब भी आप लेटर के साथ कुछ भी सेंड करते हैं तो वो एनक्लोजर लिखना, ENCL स्टैंड्स फॉर एनक्लोजर, तो एनक्लोजर लिखना कंपल्सरी है, डोंट फॉरगेट इट, ठीक है। चलो थैंक यू, विल सी मोर लेटर इन आवर नेक्स्ट सेशन।